बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कोई 12,000 के अंदर फोन बताओ जिसमें कि बिग कैमरा, बिग बैटरी, बिग प्रोसेसर हो और गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आ गया हूँ टॉप 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको सिर्फ 12,000 के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आज के समय में रियलमी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रियलमी तो धड़ाधड़ करके अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे जा रहा, उसमें से आप सोच भी नहीं सकते कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। और साथ में सोमी भी वही कंपटीशन करे जा रहा है, तो ऐसे में समझ नहीं आता कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज मेरे वीडियो में आ चुके हैं ना, तो आप लोग एक फोन तो सेलेक्ट करके जरूर से जाएंगे हमारे इस वीडियो से। तो बहुत ही मजा आने वाला है हमारे इस वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो को इन तक देखते रहें तो आप एक फेवरेट फोन सेलेक्ट करके चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों जो हमारा पहला नंबर का स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से निकल के आता है, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ये स्मार्टफोन, आप लोग सोच भी नहीं सकते, जिसका नाम है Redmi Note 9। अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आता है और स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही पावरफुल मिली है। और आपको इसमें 464GB वाला वेरियंट देखने को मिलेगा सिर्फ 11,999 में, मतलब 12,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपके हाथ में रहेगा। फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, तो आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। आपको इसमें आईपीएस एलसीडी पैनल मिल रहा है 60 हर्ट्ज के रेफ्रेश रेट के साथ में। कैमरास की अगर बात करें तो आपको यहां पर 4 कैमरा देखने को मिलता है रियर साइड में। प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की अगर बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा आपको कैमरा शॉट्स निकाल के दे देता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिला है Redmi Note 9 में। दोस्तों पहला ऐसा स्मार्टफोन होने जा रहा है जिसमें कि आपको MediaTek Helio G85 का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है और ये 2.0 GHz पर क्लॉक्ड है, बहुत ही अच्छी क्लॉक्ड स्पीड है और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों। और आपकी यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए Android 10 का सपोर्ट, जिसे कस्टमाइज करा जाएगा MIUI 12 पर। बैटरी की अगर बात करें तो आपको यहां पर 5020 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में इसके बॉक्स के अंदर 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन ये स्मार्टफोन सिर्फ 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो क्या मतलब हुआ 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर देने से? लेकिन दोस्तों Xiaomi वाले कह रहे हैं कि अभी मैं कुछ अपडेट्स लाऊंगा तो ये 22.5 वोल्ट का चार्जर आपके स्मार्टफोन को सपोर्ट करने लगेगा। तो देखते हैं कुछ आगे अपडेट्स निकल के आता है तो हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन आपको 11,999 का देखने को मिल जाएगा, Flipkart Amazon पे यहीं से जाके कहीं से भी जाके खरीद सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जो हमारा सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है Samsung की तरफ से निकल के आता है Samsung Galaxy M11। जिसको नॉन चाइनीज फोन चाहिए ये स्मार्टफोन ले सकता है। आपको 332GB वाला वेरिएंट सिर्फ आपको 10,980 का देखने को मिल जाएगा, Flipkart Amazon कहीं से जाके खरीद सकते हो। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास 13+5+2 megapixel का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलेगा और साथ में आपको 8 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास 6.4 inches की एक HD+Infinity O डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहां पर 16 मिलियन कलर के यूज करा गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसमें 16 मिलियन कलर मिलता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको यहां पर Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। दोस्तों मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, चलो डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा आपको ये प्रोसेसर, ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा, आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आपकी यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए Android 10 का सपोर्ट, जिसे कस्टमाइज करा जाएगा Samsung UI 2 पर, और ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसमें Samsung UI 2 मिलता है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी आपको यहाँ पास 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है और अच्छा खासा यूज़ करना चाहते हैं स्मार्टफोन को। तो ये स्मार्टफोन आपको 10,990 का देखने को मिल जाएगा Amazon पर। और जो हमारा थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है Realme की तरफ से निकल के आता है Realme 6i। ये 2020 का सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, जिसमें कि आपको बेस्ट कैमरा, बेस्ट बैटरी, बिग प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा अच्छा आपको उसमें सब कुछ मिलता है। तो ये स्मार्टफोन अगर आप आंखें बंद करके भी ले लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होने वाला। इसका 464GB वाला वेरिएंट आपको 12,999 का देखने को मिलता है Flipkart पर, बस 1,000 आप ज़्यादा दे दीजिए, बहुत ही अच्छा आपको उसमें परफॉर्मेंस मिलने वाला है।
स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और साथ में फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ये बहुत ही गजब की बात है दोस्तों, आपको उसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और साथ में क्वाड कैमरा सेटअप, तो मतलब बहुत ही अच्छा आपको कैमरा शॉट्स निकाल के देने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को स्मूथ बना देगा और आपके डिस्प्ले को एकदम बहुत ही मस्त बना देगा। डिस्प्ले एक्सपीरियंस एकदम गजब का हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिला है आपको, उसमें मीडियाटेक हीलियो G90T का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जिसका अंततु स्कोर 2,90,000 गया है। बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है ये स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन 2.6 GHz पर क्लॉक्ड है और ये एक ऑप्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों। बैटरी की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 20 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा इसके बॉक्स के अंदर, और ये स्मार्टफोन से 0 to 100% 1 घंटे 15 मिनट के आराम से हो जाता है। तो ये स्मार्टफोन लेना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइस भी है ये, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। अगला जो स्मार्टफोन है टेक्नो की तरफ से निकल के आता है टेक्नो स्मार्क पावर 2। बहुत ही डेंजरस स्मार्टफोन है, मतलब डेंजरस नहीं, बेस्ट स्मार्टफोन है आप लोगों के लिए। ये स्मार्टफोन सिर्फ आपको 10,000 के अंदर देखने को मिलता है, 464 GB वाला वेरिएंट, और आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 16+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और साथ में फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे कैमरा शॉट निकाल सकते हो। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले काफी बड़ा होने वाला है दोस्तों, आपको उसमें 7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक HD+ रेजुलेशन के साथ में आने वाला है और 60 Hz का इसमें रेफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिस्प्ले वाइज काफी बड़ा होगा और बहुत ही अच्छा आपको व्यू एक्सपीरियंस दे देगा। प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पास मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब ठीक ठाक आपको मतलब परफॉर्मेंस दे देगा, इतना भी अच्छा नहीं है, और ये 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है। बैटरी की अगर बात करें तो दोस्तों बैटरी इसकी काफी मस्त होने वाली है, आपको उसमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन एक नॉर्मल यूजर के लिए और बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा ये स्मार्टफोन, लेना मत भूलिएगा, बहुत ही गजब का स्मार्टफोन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा 5th नंबर का स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से निकल के आता है वीवो Y20i, ये भी रिसेंटली में लॉन्च हुआ और बहुत ही अच्छे डिजाइन और लुक के साथ में आता है। इसका 3GB+64GB वाला वेरिएंट आपको 11,480 का मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट Amazon कहीं से भी जाके आप खरीद सकते हो। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको यहां पर 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलेगा और साथ में आपको फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स निकाल सकते हो। और प्रोसेसर की अगर बात आती है तो आपको यहाँ पास मतलब बहुत ही ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जानते हैं वीवो क्या करता है, हमेशा अपने स्मार्टफोन में 50,000 का स्मार्टफोन दे देगा, उसमें छोटा मोटा प्रोसेसर डाल देगा और प्राइस बता देगा 50,000 है, क्या मतलब हुआ ऐसा देने का। तो उसमें प्रोसेसर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब कुछ मतलब नहीं हुआ ये फ़ोन लॉन्च करने का, लेकिन चलो नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 6.51 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ भी गुड गोबर कर दिया, यहाँ आपको कम से कम फुल HD+ का रेजुलेशन तो मिलना ही चाहिए था, और साथ में आपको यहाँ पर IPS LCD पैनल मिलता है, वो भी 60 Hz के रेफ्रेश रेट के साथ में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वीवो हमेशा ऐसा करता ही रहता है, कोई बात नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और आपके यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, जिसे कस्टमाइज़ करा जाएगा फनटच OS पर, बहुत ही अच्छा OS मिला है। और बैटरी की अगर बात आती है तो आपको यहाँ पास 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 10 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग नहीं, मतलब फास्ट समझ लीजिए चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा बस। दोस्तों यही थी हमारी वीडियो, अगर आपको कहीं भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारिएगा, और दोस्तों सारे फ़ोन्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखो मेरे हिसाब से पूरे स्मार्टफोन में मैं जो जो स्मार्टफोन आपको बताया हूँ तो 2 स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, पहला है Realme 6i और दूसरा है Samsung Galaxy M11। ये दोनों स्मार्टफोन में से आप एक स्मार्टफोन ले सकते हो, ये सही है, मैं आपको बता दिया, दोनों स्मार्टफोन में से जरूर एक स्मार्टफोन लीजिएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक मारिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, और सेफ रहिए।